नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक नया टॉपिक लेकर के आए जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और इसमें हमेशा न्यूज में होता है और ये काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्यों कहा जाता है। जो टॉपिक है आज का, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मतलब ये हो गया, जैसे आप प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें, आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो उसमें क्या होता है कि आप कहते हैं यार बैलेंस नहीं है कि हम कुछ नई चीज़ें कर पाएँ, और उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि हम एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं कि हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। अगर स्टूडेंट हैं, घर से पैसा आता है, तो लास्ट मंथ ऐसा आते आते हो जाता है कि आपके पास कैश नहीं होता है या फिर कुछ वैसा कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये अवॉइड करते हैं कि बजट नहीं। उसी तरह से गवर्नमेंट का भी एक बजट होता है। बजट होता है, आता है इनकम, फिर उसको एक्सपेंडिचर में के रूप में खर्च करते हैं। जो आता है उसको रिसिप्ट हिंदी में बोलते हैं, प्राप्ति बोलते हैं, और जो जाता है या फिर जो खर्च किया जाता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इन्हीं का दोनों का मेल मिला करके गवर्नमेंट का एक बजट होता है, और कभी कभी ज़्यादा भी बजट हो सकता है, कभी कम हो सकता है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ है, घर से अगर आपको 10,000 रुपया गलती से घर वाले अगर आपको 12,000-15,000 रुपये भेज दिए, तो 2,000 रुपये हर महीने से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप उसको दो चीज़ें कर सकते हो कि कोई चीज़ आपकी पेंडिंग थी उसको आप खरीद सकते हैं, या फिर 2,000 रुपये शेविंग करके रख सकते हैं, कभी इमरजेंसी हो जाए तो उसको यूज करें। तो उसी तरह गवर्नमेंट का भी होता है, तो कई तरह के रिसीव प्राप्ति होती है कई सोर्स से। जैसे वो कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और फिर उससे जो कि उसको पैसे इनकम आ रहे हो, या फिर वो कहीं काम कर रहा हो कि भाई वहाँ से इनकम आए, या फिर कहीं से उधार ले ले, उधार लेने के या फिर इंडिया के डोमेस्टिक ले या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले। जब इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के लेगा तो वो किसी कंट्री से ले सकता है, या फिर वो जो है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले, जैसे WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से, या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, या वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जहाँ से भी उसको पॉसिबिलिटी हो कम रेट पे मिले वो करते। तो जैसे एक मान लीजिए कि अगर वर्ल्ड बैंक इनको इंडिया को 100 रुपये देती है, तो 100 रुपये देती है, उस पर 10 रुपये ब्याज देता है, उसका गवर्नमेंट क्या करेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि उड़ा दे उसको, कहीं ऐसे जगह सेफ जगह इन्वेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि यार वर्ल्ड बैंक पैसा देने से पहले, लोन देने से पहले ही कंडीशन लगा दे, ये पैसा कहाँ पे खर्च होगा, वेलफेयर में होगा या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में होगा। तो यार कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ से हमें रिटर्न महीने ईयर बाय ईयर मिलते रहे। जैसे मान लीजिए कि आपको आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो आप जैसे मान लीजिए कि एक ऑनलाइन एडुकेशन सेंटर खोल लीजिए, 10,000 रुपये, 50,000, 10,00,000 रुपये लगा करके, तो उससे क्या होगा, आपको एक इनकम एक टाइम के बाद जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको भी प्रॉफिट होगा और जिसने पैसा दिया उसको भी लगेगा कि नहीं, ये सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। हो सकता है आप उसका जो कि मिसयूज कर दिया, जो लोन लिए हैं। तो इसलिए जब कोई लोन देता है या फिर आपके घर वाले जब आपको पैसे देते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या करोगे, अच्छा ये काम करना, ठीक है, फिर वो पैसे दे देते हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट को भी कहीं से अगर पैसे लेने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद उसको खर्च कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको जो है कि उनकी सैलरी दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। दूसरी ये चीज़ है कि जो वेलफेयर स्कीम होती है, जो समाज कल्याण के लिए जो इसको स्कीम चलाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमा इंश्योरेंस कंपनी का है वो चला रही, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कोई स्कीम चला रही, या फिर एडुकेशन के शिक्षा अभियान, मिड डे मील, जैसे कोई भी स्कीम चला रही है। तो जब वो चला रही तो उससे आप सोचेंगे कि जो वेलफेयर स्कीम चला रही है उससे तो कोई इनकम जनरेट नहीं होता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। पहले चीज़ समझने की कोशिश करिए, स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट होती है, वो वेलफेयर के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। उनको ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आम आदमी को गवर्नमेंट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, जो बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वेलफेयर, जैसे मिड डे मील है, मध्यम भोजन का सिस्टम होता है प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, तो उसका क्या है मतलब? दो चीज़ें, एक तो वो खाना खाएंगे,
खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो हेल्दी होंगे। दूसरी चीज़ है खाना खाने के लिए जो कि वो अट्रैक्ट होते हैं कि जाए स्कूल चलो खाना मिल रहा है, तो उससे क्या एजुकेशन लेवल जो कि इंडिया का इंक्रीज होगा। तो वो कहीं ना कहीं जाकर के जब बड़े होंगे तो वो एक रिटर्न देंगे, कहीं अच्छे एजुकेशन सेंटर में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे क्या है कि इंडिया को कहीं ना कहीं असर हो सकता है, इमीडिएट ना मिले लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ये सारी चीज़ें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो इसलिए मैं बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो बजट है कभी सरप्लस होता है, लेकिन हालांकि सरप्लस बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए जो कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये सरप्लस है या क्या, लेकिन हम हमेशा डेफिसिट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिसिट की हम बात करते हैं, मतलब घाटा। डेफिसिट का मतलब यहाँ पे हो गया घाटा। घाटा होता है क्यों? पहली बात घाटा का मतलब समझे, मतलब कि आप बचपन से सुनते आए होंगे कि इनकम 54 और इनकम 58 और खर्चा जो कि रुपया में होता है, मतलब 50 पैसे तो घाटा ही होगा, 50 पैसे की आपकी इनकम हो रही है और खर्चा आप 1 रुपये कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट जो प्राप्ति हो रही है जो उसको इनकम डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो रही है उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर कर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट है, अगर रिसिप्ट मान लीजिए आपका 100 रुपये हुआ और ये खर्च जो कि 150 कर दे, तो टोटल 50 रुपये की तो आपका डेफिसिट हो गया ना आपका। तो यही होता है डेफिसिट और रिसिप्ट, मतलब टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर, या फिर रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर खर्च का जो एक बैलेंस होता है या फिर जो ऊपर नीचे होता है उसी को डेफिसिट या सरप्लस बोलते हैं। तो डेफिसिट कितने तरह की होती है? तो 4 से 5 तरीके की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं बजट डेफिसिट होती है, रेवेन्यू डेफिसिट होती है, प्राइमरी डेफिसिट होती है, मोनेटाइज डेफिसिट होती है। दूसरी बात ये पहले यहाँ बजट पे डेफिसिट पे देख लेते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है चाहे किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट का, चाहे पेंशन दे रही हो, चाहे डिफेंस में कर रही हो, चाहे एजुकेशन पे कर रही हो, सोशल वेलफेयर पे कर रही हो, जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको इंक्लूड, उसको प्लस या फिर माइनस, अगर प्लस तो नहीं करेंगे, लेकिन जो टोटल रिसिप्ट हो रही है एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, इनमें जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर 100 रुपये का हो गया, 100 रुपये हो गया एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये का एक्सपेंडिचर हो गया और रिसिप्ट आपका जो है कि 85 रुपये हुआ। तो अब क्या होगा कि 50 रुपये आपका डेफिसिट हो गया, तो इसको हम कहेंगे 50 रुपये जो है कि 50 रुपये की बजट डेफिसिट हो गया, तो इसको हम बजट डेफिसिट। दूसरा जो आता है रेवेन्यू डेफिसिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू, हमने पहले ही बात किया कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। आप कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जहाँ से आप लोन ले रहे हैं उसको भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक से हमने 100 रुपये लिए तो उसका 10% के हिसाब से हम कर रहे हैं तो उसको 10 रुपये तो देंगे ना, तो उसी को कहते हैं टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। तो इसको जो कि हम माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में से तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिलेगा। नेक्स्ट हम आता है फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम है, बस एक चीज इसमें जो है कि हटा दिया जाता है, अक्सर बोरोइंग एंड अदर, जो उधार लेते हैं, ठीक है। उधार का मतलब ये हो गया कि उसमें ब्याज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि यार हमें 100 रुपये अपने मित्र से कह दीजिए कि हमें 100 रुपये दे दो, कल तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, वो दे देगा, रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर किसी जो वो होते हैं ब्याज पे पैसे देते हैं उनसे मांगोगे तो वो नहीं देंगे। तो वही यहाँ पे ये चीज़ है कि जो बोरो उधार लेते हैं या फिर अदर लाइबिलिटी, तो वो चीज़ें होती है। और दूसरी ये भी चीज़ें होती है कि जो मतलब अननेसेसरी चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बोरोइंग को माइनस करते हैं, अदर लाइबिलिटी जो होती है उसको। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिटर्न करना है, ये चीज़ है। बाद में आते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या? फिजिकल डेफिसिट माने इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट ये है आपका, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट, इनमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट आप किसी को दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लिया हमने 10 रुपये दे, उसको माने जब उसमें से हटा देंगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। दूसरी चीज़ है मोनेटाइज डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का कम हो जाता है, मतलब बजट बहुत कम होती है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जब डेफिसिट हो जाता है तो उसमें क्या करता है आरबीआई के, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है कि कहीं बाहर से लेते, उससे पहले ये कहते हैं कि वो आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उससे जो कि कोशिश करती है कि हमें इंटरेस्ट या फिर कम हमें पैसे मिल जाएं, ठीक है। तो एक आरबीआई डायरेक्टर देती है, जैसे होता है कि आरबीआई भी प्रॉफिट कमाती है, बाद पिछले 4-5 साल में अगर सुने होंगे तो आरबीआई ने कुछ अपना पैसा गवर्नमेंट को दिया, तो जो आरबीआई प्रॉफिट कमाती है वो गवर्नमेंट को देती है, तो एक वो हो गया। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट आरबीआई से कहे कि नहीं हमें और मनी दो क्योंकि हमें जो है कि मोनेटाइज डेफिसिट को कम करना है,
ठीक है, तो इसको हम मोनेटाइज डेफिसिट से बोलते हैं। अब डिफरेंसेस देख लीजिए एक बार रिपीट के लिए, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट रेवेन्यू, यहाँ पे आप रेवेन्यू टोटल जो रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, जो हम टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू यही होता है बजट डेफिसिट में से ही, अगर आप चाहें तो इसको बोरोविंग और अदर लायबिलिटी को हटा दीजिए। प्राइमरी डेफिसिट में होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस जो कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दीजिए यहाँ से। मोनेटाइज का मतलब है गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे लेकर के अपने घाटे को पूरा करती है, तो ये चीज़ें। और यहाँ पे हमने सरप्लस की बात किया, तो सरप्लस होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम रेयर केस में देखने को मिलता है, हमेशा घाटे में ही चलती है गवर्नमेंट। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ, और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।